बल्लभगढ़ में युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां एक युवक ने पहले युवती के साथ छेड़छाड़ की और जब युवती ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो उसने युवती को चाकू मारकर घायल कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और युवती को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां युवती का इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घायल युवती ने बताया कि वो प्रैक्टिस के लिए निजी अस्पताल में जाती है। जब वो अस्पताल से घर की ओर लौट रही थी, उस समय बदमाश ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये आप तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां पर युवती पर चाकू से प्रहार किया गया। तो युवती के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई और जब युवती ने इसका विरोध किया तो युवती को चाकू मारकर शख्स ने घायल कर दिया। एक लड़की, ये फर्स्ट ईयर की बीएमएस की छात्रा थी, यहाँ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही थी और प्रैक्टिस करने के बाद रात को ये आठ नौ के करीब, जो कि एक लड़का ने इसके साथ बदतमीजी करी, विरोध करने पर इसके दो चाकू से वार किया, एक बाएं हाथ में और एक बाएं पेट के। उन्होंने आज हमारे को दरख्वास्त दी है और इस पर हमने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है।